गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन, और आई थिंक इसका मीनिंग करा दिया था। तो देखिए, रिटेलिंग ऑपरेशंस नाम से पता चल रहा है कि रिटेलिंग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सामने या पीछे, है ना, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक हम कहते हैं कि बैक एंड, कि पीछे जो किया जाता है, और एक होता है फ्रंट एंड, कि जो सामने की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशंस। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आता है आपके एग्जाम में इस चैप्टर में, कि व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन, है ना, कि कौन कौन सी डायमेंशन है जिसको कि ध्यान में रखा जाता है मैनेजमेंट जब किया जाता है रिटेलिंग ऑपरेशन का। तो वी कैन से रिटेलिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर हैं, जिनको कि ध्यान रखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे रिटेलिंग गुड्स की जाए या सर्विसेज की। तो जो रिटेल है उसमें भी मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ भी प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में ये सब आएगा, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। और इसी तरीके से जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करना, अगर आप सही ढंग से मैनेज करेंगे तो कस्टमर विल अट्रैक्ट, कस्टमर्स को अच्छा लगेगा और वो आपके प्लेस पर बार बार आना चाहेंगे, है ना। तो आपका जो मेन पर्पस है, या रिटेल स्टोर का जो मैनेजमेंट है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बिकॉज़ यहाँ भी कस्टमर इज़ द किंग, है ना, कस्टमर को हम किंग मानकर चलते हैं। और इनका भी जो मेन पर्पस है इन एक्टिविटीज़ का, इन ऑपरेशंस का, उसका मेन पर्पस यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और उसको ध्यान में रखते हुए ही इन ऑपरेशंस को डिज़ाइन किया जाता है। आप देखिए, ये कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने दी हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको कि मैनेज करना होता है रिटेल में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है मैनेजिंग स्टोर्स लेआउट डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग, है ना। तो ये देखो, स्टोर लेआउट, स्टोर का जो ढांचा है उसका डिज़ाइन, और वी कैन से विजुअल, कि वो दिखे किस तरीके से, उसको एक तरह से ऑपरेट करना होता है, हाँ, जो मर्चेंडाइजिंग है, मर्चेंडाइजिंग मतलब जो प्रोडक्ट वहाँ रखा हुआ है वो किस तरह से दिखाई दे, तो इस सब को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या आता है, स्टोर लेआउट डिज़ाइन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपने रिटेल स्टोर के USP को क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे ये USP क्या है, USP की फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, है ना। जैसे जो भी रिटेल स्टोर होता है उसका कुछ ना कुछ यूनिक सेल पॉइंट होता है, जिससे कि वो अपने आप को दूसरे से अलग करता है, यानी कि वो बताता है कि वो कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है, उसका प्रोडक्ट या वो स्टोर, है ना, स्टोर के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो वो स्टोर बाकी स्टोर से अलग कैसे है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के भी USPs होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड का क्या USP है, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड वैल्यू फॉर मनी, है ना। तो हर रिटेल स्टोर भी इसी तरीके से अपना एक USP बनाता है। एडिडास का क्या है, एडिडास का है मेक लाइट एंड कन्वीनियंट स्पोर्ट्स अपैरल, है ना। तो इस तरीके से हर जो प्रोडक्ट है उसका भी USP होता है, और इसी तरीके से जितने भी रिटेल स्टोर हैं उनका भी क्या होता है, USP होता है, है ना। तो हर स्टोर को जो है वो ये ध्यान में रखना होता है। अब देखिए, स्टोर लेआउट में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, एक तो जैसे बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोर, कि जो स्टोर है उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड, कि स्टोर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए, है ना। फिक्सचर का जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, और इंटीरियर, देखिए अब दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, है ना, वो दोनों किस तरह की क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको ध्यान में रखना है कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और व्हाट टाइप ऑफ गुड्स यू आर सेलिंग उसके अकॉर्डिंग आपका इंटीरियर होना चाहिए, फ्लोरिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कलर किस तरह का होना चाहिए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट इसको भी ध्यान में रखना है, इसी तरह से पार्किंग फैसिलिटी, है ना, वो भी किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारा एक्सटीरियर इंटीरियर, है ना, ये स्टोर की इमेज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और जो कस्टमर्स हैं वो अगर आपके स्टोर लेआउट से फैमिलियर हो जाते हैं तो वो आपके स्टोर पर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, है ना। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जैसे ट्रेंड है, शॉपर स्टॉप है, रिलायंस है, इन्होंने अपने लेआउट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने तैयार किया है, है ना, उनको जो लगता है कि कस्टमर जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है, और यही इनकी सक्सेस का राज है। इसी तरीके से जो बिग बाज़ार है,
है ना। बिग बाज़ार ने भी अपना स्टोर इस तरह से डिज़ाइन किया है जैसे वो कस्टमर को ट्रेडिशनल लुक भी, लुक का भी जो है वो अनुभव कराएं, उनको ट्रेडिशनल लुक भी दिखाएं, है ना। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा कि फेयर की लुक भी आती है कि जैसे ट्रेड फेयर या डिफरेंट जो फेयर्स लगते हैं ट्रेडिशनल फेयर, है ना, या हाट जो लगते हैं, है ना, उसका एक्सपीरियंस उनको होता है, कस्टमर्स को वहाँ पर जाकर उसकी फीलिंग आती है उनके अंदर। तो देखिए जैसे प्रोफेसर अय्यर ने भी कहा है कि ए कस्टमर हु इज़ फैमिलियर विद द स्टोर लेआउट इज़ लाइकली टू बाय मोर देन दोज अनफैमिलियर विद इट, कि एक जो कस्टमर है अगर वो स्टोर के लेआउट से फैमिलियर है, उससे फैमिलियर है, परिचित है, उसको जानता है और उसको अच्छा लगा, वो अट्रैक्ट हुआ, तो वो बाकी स्टोर पे जाने की बजाय यहीं आएगा, है ना। और इसी तरीके से एक द्वारिका प्रसाद यूनेल ने जो बताया कि द लेआउट सपोर्ट्स द कस्टमर्स मेमोरी ऑफ द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दे प्लान टू बाय, कि जो लेआउट है वो कस्टमर को सपोर्ट करता है कि जो उन्होंने गुड्स परचेज करने हैं, है ना, वो किस तरह से उसको प्लान करें। ओपन फॉर्मेट स्टोर हैव लेड टू इंक्रीज परचेज एंड वाइडनिंग ऑफ कंसिडरेशन सेट, जैसे आपने भी देखा होगा आप रिलायंस पे जाते हैं, एवरीथिंग इज ओपन, डिस्क्लोज होती है सब कुछ, है ना, सारी चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं, तो आप वहाँ पर जाते कुछ और सोच के हैं और परचेज कुछ और करके आते हैं, है ना, कि जो सोच के जाते हैं वो तो आपने ख़रीदना ही है, बट उसके अलावा आप एडिशनल भी परचेज कर लेते हैं, तो वो किस वजह से है कि उनका लेआउट ऐसा है, उन्होंने सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो इजीली आपको दिख जाती हैं, कंफर्टेबली आप उसको परचेज कर सकते हैं, तो इससे जो है वो उनकी सेल बढ़ती है। तो वी कैन से कि जो उनका मतलब लेआउट है उसमें क्या क्या आता है कि बिल्डिंग किस तरह की है, वॉकवेज किस तरह के हैं, एंट्रेंस किस तरह की है, डोर डिस्प्ले विंडो, है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, साइज़ ऑफ द बिल्डिंग, कलर्स एंड मटेरियल यूज्ड कौन से किए गए, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जिसको कि मैनेज करना पड़ता है। तो ये था हमारा फर्स्ट वन कि जो आपका मैनेजिंग स्टोर लेआउट है वो किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड आता है मैनेजिंग स्टोर लेआउट, कि जो स्टोर का लेआउट है उसको आपने मैनेज करना है। और नेक्स्ट देखिए मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। अब देखिए इन्वेंट्री को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, बाइंग एंड हैंडलिंग, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आपको ये पता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से होती है, कि इन्वेंट्री शुड नॉट बी लेस एंड शुड नॉट बी मोर, जो रिक्वायरमेंट है उसे ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो कस्टमर डिमांड करेंगे और आपका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो वो भी उससे आपकी इमेज और रेपुटेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकेंड अगर वो ज़्यादा होगी तो वो एक्सपायर हो जाएंगे प्रोडक्ट रखे रखे, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इन्वेंट्री प्लानिंग सही होनी चाहिए कि कितनी जो है वो डिमांड आने वाली है किस प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग आपने परचेजिंग करनी है। तो रिटेलर्स हैव टू मेक प्लानिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल और अप्रोप्रिएट मर्चेंडाइज, हेयर मर्चेंडाइज रेफर्स टू प्रोडक्ट, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और कौन सा नहीं करना, मतलब कस्टमर क्या चाहते हैं, जो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आते हैं ऑब्वियसली अगर आप वही परचेज करेंगे तो कस्टमर्स उसको परचेज कर लेंगे, अदरवाइज आपका स्टॉक भी रहा जा सकता है। तो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अब देखो क्या आता है इस मर्चेंडाइज मैनेजमेंट में, एनालिसिस प्लानिंग एक्विजिशन हैंडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मर्चेंडाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ अ रिटेल ऑपरेशंस, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोडक्ट के अंदर वो आपने सही ढंग से करनी है ताकि आपको उससे प्रॉफिट अर्न हो, तो उसको एनालाइज करना है, प्लान करना है, फिर उसको परचेज करना है, और परचेज करने के बाद उसको उसकी हैंडलिंग भी सही होनी चाहिए, मेंटेनेंस भी सही होना चाहिए और उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि कोई वेस्टेज ना हो। तो अब देखो कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कि इन्वेंट्री प्लानिंग जो बता रही थी कि ही हैज़ टू प्लान कि व्हाट इन्वेंट्री ही शुड परचेज और उसको किस तरह से मेंटेन करना है, सिलेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज सोर्सेज और वी कैन से सप्लायर, है ना, कहाँ से उसको परचेज करना है जहाँ से उसको सही रेट में अवेलेबल हो जाए, वेंडर नेगोशिएशन कि जो वेंडर है उसके साथ नेगोशिएशन भी करनी पड़ सकती है, और इसी तरह से मर्चेंडाइज हैंडलिंग कि मर्चेंडाइज की जो हैंडलिंग है उसको भी ध्यान में रखना है, प्रोवाइडिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम कि सही टाइम पर सही जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाए, है ना, तो इसलिए जो है वो किस तरह से परचेजिंग करनी है, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट प्राइजिंग कि प्राइजिंग भी सही हो ताकि कस्टमर उसको परचेज कर सके, प्लान्ड परचेजिंग इसकी प्लानिंग की जाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो एट व्हाट टाइम वी शुड परचेज, है ना, ताकि आपकी कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट
जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपकी मिनिमम आए, यूजिंग टेक्नोलॉजी इन परचेजिंग कि परचेजिंग में आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपने ध्यान में रखना है, टाइमली डिलीवरी कि आपकी डिलीवरी भी टाइम पर हो जाए ताकि कस्टमर को वेट ना करनी पड़े, और इसी तरह से प्रोवाइडिंग गुड मर्चेंडाइज हैंडलिंग सिस्टम एंड प्रॉपर डिस्प्ले, ये तो बहुत ज़रूरी है कि मर्चेंडाइज का प्रॉपर डिस्प्ले हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ये भी एक ऑपरेशन एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका मैनेजिंग मर्चेंडाइज प्राइजिंग। तो प्राइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जो स्टोर की इमेज को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। अगर आपका जो स्टोर लेआउट है वो बहुत अच्छा है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी की है, आपका जो USP है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राइस हाई रखते हैं तो ऑब्वियसली सारे कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे, है ना। तो ओनली जो रिच क्लास के कस्टमर्स हैं जो क्वालिटी चाहते हैं वो आएंगे, उसके अलावा जो मिडिल क्लास है, जो मुझे लगता है मोस्टली 50% से ज़्यादा जो क्लास है वो मिडिल क्लास में ही आती है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। तो इसलिए जो प्राइसिंग है उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे कि कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट हों, स्टोर के पास आएँ। तो रिटेलर को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आपको तो प्रॉफिट हो ही हो लेकिन कस्टमर्स को भी प्रॉफिट हो, उनको दिखाई दे प्रॉफिट, है ना, उनको कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफ़र, कुछ इस तरह के कूपन्स, है ना, कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं वो अडॉप्ट की जानी चाहिए। तो इससे आपका मर्चेंडाइज प्राइस को आप मैनेज कर सकते हैं और ये आपके सेल को बढ़ाने में और मार्केट में अपनी इमेज एस्टेब्लिश करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे देखो रूरल एरियाज़ में जो छोटे सेशे हैं, जैसे शैम्पू के आपने देखे होंगे छोटे छोटे सेशे आते हैं, हर चीज़ के आते हैं, हर प्रोडक्ट के आते हैं, जैसे टी चाय उसके भी छोटे छोटे सेशे हैं, और वी कैन से कॉफ़ी के भी छोटे छोटे सेशे हैं। तो ये जो सेशे हैं ये आपके हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं कि आपका जो जो कंज्यूमर है वो आपके आपसे ज़्यादा कन्विंस होता है और उसको परचेज़ करने के लिए, क्योंकि वो बल्क में परचेज़ नहीं करना चाहता, वो ट्राई करना चाहता है कि इन छोटे जो आइटम्स हैं इनको परचेज़ करके फिर वो देखेगा, अगर उनको पसंद होंगे तो फिर वो बड़ा आइटम भी परचेज़ करेगा। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे उन्होंने बताया हाई लो प्राइजिंग, कूपन्स, रिबेट्स या लीडरशिप प्राइजिंग, ये आप चलाकर अपने कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट, मैनेजिंग द मर्चेंडाइजिंग प्राइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजिंग फाइनेंस। आप देखिए जो फाइनेंस है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, है ना, क्योंकि जो रिटेल स्टोर हैं उनको भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने स्टोर के अंदर और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम वो ये ध्यान रखते हैं, या तो ये 6 मंथ की होती है या 1 ईयर की या लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है, है ना। फिर वो ये ध्यान रखते हैं कि मार्केट में किस किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, क्या क्या उनको परचेज़ करना है, तो टोटल अमाउंट जो उनका परचेज़ के ऊपर खर्च होगा वो कितना होगा, मार्केट एक्सपेंशन पर कितना खर्च होगा, है ना, और इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इसको सोच के फिर वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि उनको ध्यान में रखने होते हैं, एक तो एंटिसिपेटेड सेल इनकी क्या होने वाली है, स्टॉक कितना उनको रखना है, है ना, और इसी तरीके से रिटेल प्राइस उनको किस तरह से कम करना है मर्चेंडाइज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, एडिशनल परचेज कितनी करनी है, प्रॉफिट फॉर इंक्रीजिंग सेल एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, वो कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनको लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, है ना, तो उसकी वो रिक्वायरमेंट तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से उनको इस तरह से फाइनेंस को वो मैनेज कर सके। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, तो यहीं तक करना, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।